नमस्कार, बिजनेस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। धीरे धीरे अनलॉक खुल रहा है और त्योहारी सीजन शुरू हो रहा है। आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो एक रुपए का पेमेंट करके मनपसंद बाइक ले सकते हैं। जी हाँ, हीरो मोटोकॉर्प, होंडा और टीवीएस की पसंदीदा बाइक आप ले सकते हैं। यह सुविधा देश भर के 947 शोरूम में फेडरल बैंक ने उपलब्ध कराई है। इसी के साथ आपको 5% का कैशबैक मिलेगा, साथ ही कोई प्रोसेसिंग फीस भी नहीं होगी। ग्राहकों को इसके लिए 5676762 नंबर पर SMS या फिर 7812900900 पर मिस्ड कॉल देना होगा। इसी के जरिए EMI का भी पता लगाया जा सकेगा। बुधवार को कारोबार के तीसरे दिन BSE 390 अंक ऊपर 38124 पर और निफ्टी 105 अंक ऊपर 11258 के स्तर पर खुला। अच्छे ग्लोबल संकेतों से बाजार आज बढ़त के साथ खुला है। ऑटो और बैंकिंग शेयरों में बढ़त है। KKR का रिलायंस रिटेल वेंचर्स में निवेश की घोषणा के बाद शेयर निफ्टी में 2% से ऊपर कारोबार कर रहा है। टाटा मोटर्स के शेयर में भी 2% से ज्यादा की उछाल है। इससे पहले मंगलवार को BSE 300 अंक नीचे 37734 पर और निफ्टी 96 अंक की गिरावट के साथ 11153 पर बंद हुआ था। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया। इसके साथ ही मंगलवार को डीजल के दामों में 13 से 15 पैसे जबकि पेट्रोल की कीमत में 7 से 8 पैसे की कमी को बरकरार रखा गया है। इससे पहले 30 जुलाई को दिल्ली सरकार ने डीजल के दाम में 8.36 रुपए की कटौती की थी, जिससे दिल्ली में डीजल का दाम बाजार में 73.56 रुपए प्रति लीटर हो गया था। प्राइवेट इक्विटी कंपनी KKR रिलायंस रिटेल वेंचर्स में 5500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। यह निवेश RRVL की प्री मनी इक्विटी वैल्यू 4,00,000 करोड़ रुपए पर होगा। इसके एवज में KKR को रिलायंस रिटेल में 1.28% इक्विटी शेयर मिलेगा। रिलायंस रिटेल में दो कंपनियों का कुल निवेश अब 13,000 करोड़ रुपए हो गया है। शाहपुर पालनजी मिस्त्री की बेटी के बैंक खाते से डेबिट कार्ड से 90,000 रुपए ठगों ने ठग लिए हैं। आश्चर्यजनक यह है कि मिस्त्री की बेटी दुबई में रहती है। पैसा उनके मुंबई के कुलाबा इलाके की एक बैंक से डेबिट कार्ड के जरिए गायब हुआ है। इसकी शिकायत स्थानीय पुलिस स्टेशन में कराई गई है। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि यह मामला साइबर फ्रॉड के तहत दर्ज किया गया है। जांच जारी है। यह घटना तब सामने आई जब मिस्त्री की कंपनी के DGM जयेश मर्चेंट ने मोबाइल फोन पर 90,000 रुपए निकाले जाने का मैसेज प्राप्त किया। शाहपुर पालनजी ने कहा है कि टाटा समूह से अलग होना अब जरूरी हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि संभावित लिटिगेशन से आजीविका और आर्थिक नुकसान हो सकता है। एक बयान जारी कर SP ग्रुप ने कहा है कि बहुत ही भारी मन से मिस्त्री परिवार का मानना है कि सभी शेयर धारकों के हितों के लिए टाटा ग्रुप से अलग होना सही होगा। इस तरह से टाटा और SP ग्रुप का 70 साल पुराना रिश्ता खत्म होने के कगार पर आ गया है। देश की सबसे बड़ी ऑयल फर्म इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने मंगलवार को कहा है कि वह 17,825 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। यह निवेश अपनी गुजरात रिफाइनरी की क्षमता बढ़ाने के लिए करेगी। इसके साथ साथ मार्जिन के लिए पेट्रोकेमिकल कारोबार को बढ़ाने की योजनाओं के रूप में पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने IL&FS के मामले में उसके NCD को क्रेडिट रेटिंग जारी करते हुए लापरवाही बरतते समय इकरा और केयर पर 1-1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। पिछले साल दिसंबर में इसी मामले में यह जुर्माना 25-25 लाख रुपए था। दोनों रेटिंग एजेंसियों पर इस जुर्माने को मंगलवार को बढ़ा दिया गया है। अगर आप देश से विदेश में पैसा भेजते हैं तो अब इस पर आपको टैक्स देना होगा। इनकम टैक्स विभाग ने इस तरह का नियम जारी कर दिया है। 1 अक्टूबर से यह लागू हो जाएगा। इस मामले में देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने भी ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। जानकारी के मुताबिक अगले महीने से TCS से जुड़ा एक नया नियम लागू होगा। आयकर विभाग ने TCS का दायरा बढ़ाते हुए सेक्शन 206C के तहत लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम पर भी लागू करने का फैसला किया है। IPO बाजार की चल रही धूम जारी है। कल खुले दो IPO में से कैमकॉन स्पेशलिटी केमिकल का IPO दूसरे दिन 12.65 गुना भर गया, जबकि कैम्स का इशू 6.93 गुना भरा। एंजल ब्रोकिंग का IPO 77% भरा है। मजे की बात यह है कि तीनों IPO में रिटेल का हिस्सा अच्छा खासा भर रहा है। एक्सचेंज के आंकड़ों के मुताबिक कैमकॉन स्पेशलिटी के IPO में रिटेल का हिस्सा दूसरे दिन 23 गुना भर गया। NIB का हिस्सा 3.51% और QIB 1.37 गुना भरा है। पहले दिन रिटेल का हिस्सा 9.86% भरा है।
रिलायंस जियो पोस्टपेड यूजर्स के लिए पोस्टपेड प्लस स्कीम के प्लान लेकर आई है। इन प्लान की कीमत 399 रुपए से शुरू हुई है। कंपनी का कहना है कि नए जियो पोस्टपेड प्लस स्कीम में ग्राहकों को बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ एंटरटेनमेंट से जुड़ी सर्विसेज भी मिलेंगी। रिलायंस जियो के डायरेक्टर आकाश अंबानी ने कहा है कि जियो पोस्टपेड प्लस को लॉन्च करने के लिए इससे उपयुक्त समय नहीं हो सकता। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए ईएमएस टीवी के साथ। नमस्कार।